अब श्रृंगार के कवित्री प्रेमा झा के हम आमंत्रित करतनी। प्रेमा के बुलाई चूंकि आधी आबादी के प्रतिनिधित्व करतनी, एकमात्र महिला यह महफिल में मिली, तो इनका के बुलावे से पहले हमरा सरहद पार के एगो सायरा बाड़ी रेहाना रूही, उनकर कुछ शेर याद आवता। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और पूर्वांचल से यहाँ पर बेटे आए हुए हैं रोजी रोजगार के चक्कर में, हजारों की तादाद में है। बिल्कुल वो सब लोग का ओर से अब तो हो जाते हैं बेटे भी रुखसत घर से, अब तो हो जाते हैं बेटे भी रुखसत घर से, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। प्रेमा झा। नमस्कार, शुक्रिया भावुक जी। मेरी कविता का शीर्षक है बदनामे इश्क। वो और खुशियों की बातें करने लगे हैं। अदा तो देखिए, देखकर उनको तो गधे भी शर्माने लगे हैं। कहती हैं उम्र हो चली है जनाब, प्यार व्यार की बातें छोड़ कर अपने भीतर के साहिर का गला दबा दो। क्या बात है, आप ही को बार बोल रही थी कि उम्र हो चली है, वो आपको बोल रही थी कि उम्र हो चली है। अपने भीतर के साहिर का गला दबा दो। अच्छा है घर बैठकर हुक्के की दो चार फूंक मार लो, अपने ही इश्क की बदनामी से वो जार जार हो गए, वो प्यार में बेकार हो गए, अंधी गूंगी बहरी नाकाम हो गए। एक तो प्रेमा जो होठों को 180 डिग्री घुमाकर जो बात कहती है, और उस पर से बार बार डॉक्टर कमलेश राय को इशारे करके ये बात करे कि आप इश्क में बेकार हो गए, बेकार हो गए। मुझे गालिब का उसे याद आता है कि इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और मुझे अपना भी शेर उसी दरमियान याद आया कि हिया हमार तार तार हो गई, हिया हमार तार तार हो गई, बेकार में ही आँख चार हो गई। नजर 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 के आर पार हो गई, नजर 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 के आर पार हो गई, तो तेज शायरी के धार हो गई। क्या बात, मन में अनगिन सवाल कहोरे, अंग अंग से सगुन रंग रोरी झरे।